ओके हे ऑल राइट एंड वेलकम टू ऑल इन टुडेज डिस्कशन। नाउ देखिए, मॉडर्न हिस्ट्री के लेक्चर चल रहे थे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एजुकेशन ऑफ वीमेन। बहुत ज़्यादा क्रिस्प फैक्चुअल बेस्ड ये पूरा रहेगा कि वीमेन्स की एजुकेशन से रिलेटेड और वीमेन ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, राइट? वीमेन एजुकेशन से और वीमेन ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जितने भी फैक्चुअल बेस्ड एक दो मार्क्स में क्वेश्चन आ सकते हैं वो सब कवर करेंगे। हे ऑल राइट एंड वेलकम टू ऑल। देखिए, यूपीएससी प्रीलिम्स बैच 2022 499 रुपीज में पूरा बैच आपको मिलेगा। एनसीईआरटी रेफरेंस बुक, एक्सट्रैक्टेड नोट्स प्लस वीडियोस, सभी सब्जेक्ट, 13 मंथ का करंट अफेयर, मंथ वाइज प्लस वीडियोस मिलेगी। लेना बहुत सिंपल है, दिए गए नंबर पर आप गूगल पे फोन पे कर सकते हैं। जो भी पेमेंट करेंगे उसकी स्क्रीनशॉट सेम नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, राइट? पेमेंट करने के बाद कुछ ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप के बैच में आपको ऐड किया जाएगा जहां पर सभी पीडीएफ आपको लाइन वाइज मिल जाएगी, लिंक आपको सीक्वेंस वाइज मिल जाएंगे। ये अनलिस्टेड लिंक हैं, तो जब व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ऐड किया जाएगा ये सब आपको एक साथ मिल जाएंगे, चाहे हिस्ट्री है, जो भी प्रीलिम्स के लिए आप तैयारी कर रहे हैं। ये वीडियो लेक्चर सीरीज सिर्फ प्रीलिम्स के लिए ही होगी, जो कि होने वाला है 5 जून को। आगे जितनी भी वीडियोस आप देख रहे हैं, जितनी भी पीडीएफ आप देख रहे हैं, वही सिमिलर पीडीएफ और वीडियोस आपको व्हाट्सएप ग्रुप में व्हाट्सएप के थ्रू दे दिए जाएगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। बट पीआर पब्लिकेशन की मोबाइल एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी वेबसाइट एड्यूपसा से भी आप परचेज कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। साथ ही साथ कुछ ऐसे फैक्ट भी पढ़ेंगे जैसे चार्ल्स वुड डिस्पैच किसके लिए था? एजुकेशन के लिए तो था, बट फीमेल एजुकेशन को इसने बहुत ज़्यादा प्रमोट किया। साथ ही साथ हेल्थ को रिलेटेड भी अवेयरनेस फैलाई। तो डायरेक्टली बहुत बार ये पूछा जाता है, डफरिन हॉस्पिटल कब खुला था? वो 1880 में खुला था। तो आज की इस वीडियो में हम 3 चीज़ें करने वाले हैं। फर्स्ट एजुकेशन ऑफ वीमेन और सेकंड वीमेन ऑर्गेनाइजेशन। ये पूरे रटने वाले फैक्ट होंगे, ये थ्योरी बेस्ड नहीं है। जब से 1857 का रिवोल्ट आएगा नेक्स्ट टॉपिक, तब हम डिटेल में और जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कुछ यहाँ के फैक्ट से एजुकेशन ऑफ वीमेन। सबसे पहले नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर मेंशन है, देखिए ये ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे और इनसे एसोसिएटेड लोग। ज़्यादा ये एक्सप्लेन करने वाला मुद्दा नहीं है, तो डायरेक्टली इसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है? तो नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कलकत्ता फीमेल जुबिलाइन सोसाइटी, फाउंडर क्रिश्चियन मिशनरीज, और मेजर इसका यह था जनरल एजुकेशन, ठीक है? 1849 जे डी बैथोनी, द बैथोनी स्कूल इन्होंने खोला 1849 में। लेस देन 35 गर्ल्स स्कूल इन बंगाल खोलने वाले कौन थे? पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर 1850 तक। वुमेन मेडिकल सर्विस 1914 में नर्सेस को ट्रेनिंग देने लगे। 1914 से सोच रहे हो कि ट्रेनिंग देने लगे, तो जैसे आंगनवाड़ी वर्कर्स का कॉन्सेप्ट यहाँ से भी निकल कर आया। 1967 में डी के कार्वे इंडियन वुमेन यूनिवर्सिटी हायर एजुकेशन पर फोकस किया। 1916 में लेडी हार्डिंज मेडिकल कॉलेज दिल्ली खोला गया मेडिकल एजुकेशन के लिए। तो धीरे धीरे यहाँ पर मेडिकल एजुकेशन की भी महिलाओं को शिक्षा देने लगे थे। तो कुछ ये चीज़ें हैं जो नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पूछी आपसे जाती हैं। जैसे इंडियन वुमेन यूनिवर्सिटी सबसे पहले हायर एजुकेशन के लिए 1916 डी के कार्वे ने, राइट? दूसरा है लेडी हार्डिंज, इनके बारे में पूछा जाता है, 1916 मेडिकल एजुकेशन के लिए ही उन्होंने किया। चार्ल्स वुड डिस्पैच अगर कोई पूछता है किससे रिलेटेड है, वो शिक्षा से रिलेटेड है। तो जनरली इन्होंने फोकस किया पूरा फीमेल एजुकेशन में। इवन हेल्थ फैसिलिटीज़ बिगन टू बी प्रोवाइडेड टू वीमेन विथ ओपनिंग ऑफ डफरिन हॉस्पिटल इन 1880s। साथ ही साथ इसी टॉपिक में वीमेन ऑर्गेनाइजेशन भी करेंगे, कुछ नेम जानेंगे ऑर्गेनाइजेशन का, जैसे आर्या महिला समाज 1882 में, लेडीज़ सोशल कॉन्फ्रेंस भारत महिला परिषद बॉम्बे 1904 में, भारत स्त्री महमंदन इलाहाबाद 1910 में, नेशनल काउंसिल ऑफ वीमेन इन इंडिया 1925, ये इम्पोर्टेंट है, मेहरी बाई टाटा, और ऑल इंडिया वीमेन कॉन्फ्रेंस 1927 वाली मार्गरेट कजन्स ने, महारानी चिमनाबाई गायकवाड, रानी साहिबा ऑफ संगाली, सरोजनी नायडू, जैसे बड़े नाम इससे जुड़े हुए थे। तो ये टॉपिक ऐसा वाला है जो टू द पॉइंट आप क्या करोगे, इसको ऐसे ही मेमोराइज कर लोगे, ठीक है? तो आर्या महिला समाज 1882, लेडीज सोशल कॉन्फ्रेंस भारत महिला परिषद बॉम्बे 1904, तो ये चीज़ें आपसे बहुत ज़्यादा डिटेल में पूछी जाती हैं। तो आपको ये पूरी जो यहाँ से यहाँ तक का है एजुकेशन ऑफ वीमेन
और ये वाला, तो वीमेन से रिलेटेड जितने भी फैक्ट हैं यहाँ पर मेंशन है, तो सभी का सिग्निफिकेंस वही होता। आर्या महिला समाज किसके लिए था? मेडिकल एजुकेशन फॉर वीमेन विच इज स्टार्टेड इन लेडी डफरिन कॉलेज, ये 1880 से चालू हुआ। ठीक है, रामाबाई रनाडे किससे जुड़ी हैं? भारत महिला परिषद से। सरला देवी चौधरानी भारत स्त्री से जुड़ी हैं। ठीक है, फर्स्ट मेजर इंडियन वीमेन ऑर्गेनाइजेशन जो महिलाओं ने ही सेटअप की गई थी, और इसका मेजर एम था महिलाओं में शिक्षा को प्रमोट करना, पर्दा सिस्टम को ख़त्म करना, सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल स्टेटस वीमेन का ऑल ओवर इंडिया बढ़ाना। नेशनल काउंसिल ऑफ वीमेन इन इंडिया 1925, इसमें पर्दा सिस्टम को रिमूव करना है, कास्ट डिफरेंसेस कम करने हैं। ठीक है, ऑल इंडिया वीमेन कॉन्फ्रेंस 1927, फर्स्ट वीमेन ऑर्गेनाइजेशन विद एन इगेलिटेरियन अप्रोच, वर्कड बिफोर एज वेल एज आफ्टर इंडिपेंडेंस। राइट, तो ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं। इगेलिटेरियन अप्रोच का मतलब होता है समाज में सभी लोगों को इक्वल नज़रिए से देखना, और सोसाइटी शुड बी बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ सोशल जस्टिस, इंटीग्रिटी, इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटी। इगेलिटेरियन सोसाइटी वही होता है जहाँ पर कास्ट डिफरेंसेस न्यूट्रल होते हैं, मतलब जीरो होते हैं पूरे। ठीक है, तो ये हमने कुछ तीन चीज़ें कर ली हैं रिलेटेड टू वुमेन एजुकेशन, और हमने डिस्कस कर लिया है वुमेन ऑर्गेनाइजेशन। बट बात एक और ये भी आती है कि इतना ज़्यादा इगेलिटेरियन सोसाइटी से फैक्टर कौन कौन से थे जिसकी वजह से कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन इतना ज़्यादा कम हो गया। सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर लिए गए, प्राइवेटाइजेशन ऑफ लैंड, डिसरप्टेड विलेज, अटारकी या ऑटोक्रेसी। प्राइवेटाइजेशन ऑफ लैंड जब होने लगे थे तो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लिए गए, यहाँ पर उन लोगों को भी लैंड देने की बात की गई जो लैंड से वंचित थे। इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के सामने सभी सेम है, इस वजह से। दूसरा, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज ओपन टू ऑल, एजुकेशनल सेकुलर बेसिस पर, ऐसा नहीं था कि हिंदू धर्म मुस्लिम धर्म के बेसिस पर शिक्षा देने लगी थी, ऐसा नहीं था, सेकुलर बेसिस पर, धर्म इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन एजुकेशन दी जा रही थी। इनडायरेक्ट इम्पैक्ट भी बढ़ रहा था, मॉडर्न कॉमर्स एंड इंडस्ट्री गेव राइज टू सेवरल इकोनॉमिक एवेन्यूज़, अर्बनाइजेशन शुरू हो रहा था, मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एडेड टू द मोबिलिटी ऑफ पॉपुलेशन, डिसमेंटल्ड कास्ट वोकेशन इक्वेशन। साथ ही साथ हमारा सेकंड सबसे बड़ा टॉपिक इसी वीडियो का ये रहेगा, जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होता था उसको कैसे कम किया जाएगा। सबसे पहला है देखिए नेशनल मूवमेंट। कास्ट बेस्ड डिस्क्रिप्शन में जब भी बात आती है लोअर कास्ट की, तो उनके लिए कोई स्टेप्स लिए गए क्या उस टाइम, या कोई ऑर्गेनाइजेशन बनी क्या? यस, आंसर है गांधी जी ऑलवेज हैड इन माइंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ इरेडिकेटिंग अनटचेबिलिटी बाई रूट एंड ब्रांच। इन 1932 ही फाउंडेड ऑल इंडिया हरिजन संघ, तो गांधी जी ने ऑल इंडिया हरिजन संघ बनाया। मास पार्टिसिपेशन इन डेमोन्स्ट्रेशन, मीटिंग एंड सत्याग्रह स्ट्रगल डायल्यूटेड कास्ट डिफरेंसेस। थर्ड, आफ्टर 1937 कांग्रेस डिड गुड वर्क फॉर अपलिपमेंट ऑफ अनटचेबल्स, फ्री एजुकेशन को उन्होंने बात की। और दूसरा, इन सम अदर स्टेट दे ओपन द टेम्पल्स फॉर डाउन ट्रोडन, जो नीचे तबके के लोग थे जिनको समाज में उतना ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं मिलती थी, 1937 के बाद धीरे धीरे उनके लिए मंदिर भी खोलने लगे थे। ठीक है, तो पहला है गांधी जी ने ऑल इंडिया हरिजन संघ, ये कब बनाया? 1932 में, और गांधी जी ने बनाया ऑल इंडिया हरिजन संघ। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखो। दूसरा, और कौन कौन से बड़े नाम हैं, जैसे जो ब्राह्मिकल डोमिनेशन था उसके अगेंस्ट एक मूवमेंट चला, सत्यशोधक समाज, जिससे एसोसिएटेड हैं ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले। ठीक है, दूसरा नाम आता है बाबा साहेब अम्बेडकर, ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन पहला, ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन दूसरा। ठीक है, बहिष्कृत हितकरणी सभा, ये भी आपसे डायरेक्टली पूछा जाता है। ठीक है, एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज, तो बाबा साहेब अम्बेडकर के लिए तीन चीज़ें जुड़ी हैं, ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन पहला, ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस दूसरा, बहिष्कृति हितकरणी सभा तीसरा, और इसका मोटो था एजुकेट, एजिटेट और ऑर्गेनाइज। ठीक है, साथ ही साथ बाबा साहेब अम्बेडकर से जुड़ा एक फैक्ट सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है महद सत्याग्रह 1927 फॉर कंजम्पशन ऑफ वाटर फ्रॉम पब्लिक वाटर पॉन्ड एंड टेम्पल मूवमेंट। ठीक है, तो 1927 से
जो पब्लिक पॉन्ड है उससे पानी लाने का भी इनिशिएट कर दिया। प्रोविजन ऑफ स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव फॉर लोअर क्लास इन द गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1935, लोअर क्लास के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में स्पेशल रिप्रेजेंटेशन की भी बात कर ली गई थी। ठीक है, तीसरा है सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। डायरेक्टली पूछा जाएगा सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट किससे जुड़ा है, ईवी रामास्वामी से जुड़ा है। सेटअप विद द एम ऑफ अचीविंग ए सोसाइटी वेयर बैकवर्ड कास्ट हैव इक्वल ह्यूमन राइट। और मेजर ईवी रामास्वामी ने डायरेक्ट ये बोला कि चाहे वो बैकवर्ड कास्ट का भी बंदा है तो इक्वल ह्यूमन राइट होने चाहिए। द मूवमेंट वॉज एक्सट्रीमली इन्फ्लुएंशियल नॉट जस्ट इन तमिलनाडु बट ऑल्सो ओवरसीज इन कंट्रीज विथ लार्ज तमिल पॉपुलेशन सच एज मलेशिया और सिंगापुर में भी ये देखने को मिला। नेक्स्ट है श्री नारायणा गुरु केरला, वन रिलीजन वन कास्ट वन गॉड फॉर मैनकाइंड। एंट्री ऑफ लोअर कास्ट इनटू टेंपल्स, लोअर कास्ट की एंट्री टेंपल्स के जुड़े कौन हैं, श्री नारायण गुरु केरला से। टेंपल्स वर ओपनड अप इन साउथ इंडियन स्टेट्स, धीरे धीरे क्या हुआ जो साउथ इंडियन स्टेट्स हैं उनके उनमें लोअर कास्ट के लिए भी टेंपल्स को अलाउ करने लगे थे, राइट। तो ये सब चीज़ें आज हमने डिस्कस कर ली हैं। कौन सी मेजर दो चीज़ें हैं, एक तो है नेशनल मूवमेंट वाली और ये लोअर कास्ट वाले से। देखो एक तो हमने आज लोअर कास्ट पे पूरी बात की, लोअर कास्ट के फैक्ट्स एंड फिगर्स। दूसरा हमने विमेंस के एजुकेशन पे पूरी बात की। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। बाकी आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम में, आपको बिना स्पेस दिए टेलीग्राम में पीआर पब्लिकेशन सर्च करना है। आप हमारी एंड्रॉयड एप्लीकेशन पीआर पब्लिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। और बहुत सारे क्वेश्चन पूछने के लिए रिगार्डिंग एनी एग्जाम पंकज बोरा 534 इंस्टाग्राम की आईडी है, मैसेज भेज के अपनी क्वेरी आप पूछ सकते हैं। आपको आगे आने वाली जो एनसीईआरटी एमसीक्यू टेस्ट सीरीज है 6th to 12th, हर एक सब्जेक्ट की हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमिक्स साइंस एंड टेक प्लस प्रीवियस ईयर 15 साल के जो क्वेश्चन हैं वो 499 रुपीज़ में लाइफ टाइम एक्सेस दे दिया जाएगा। पीडीएफ के फॉर्मेट में होगी। आपको करना बहुत सिंपल है, या तो आप यहाँ से ले सकते हैं या सिंपल इस नंबर पर 7505134891 पर गूगल पे फ़ोनपे करेंगे, और जो भी पेमेंट होगी उसकी स्क्रीनशॉट सेम नंबर पर व्हाट्सएप करेंगे। हम आपको वो पीडीएफ सभी व्हाट्सएप और टेलीग्राम में सेंड कर देंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।